आप कोई एक ऐसा फेस वॉश ढूंढ रही है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा व्हाइटन कर दे, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइटन कर दे, और जो आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स वगैरह की परेशानी है उसकी परेशानी भी आपकी दूर हो जाए, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। अगर कोई एक ऐसा वीडियो आप ढूंढ रहे हो जो आपके फेशियल हेयर की परेशानी को दूर कर दे, जो आपके अनवांटेड फेशियल हेयर है, यहाँ पर बहुत सारे भरे हुए हैं फेशियल हेयर, उसकी परेशानी से अगर परेशान हो, और कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे थे जो आपको आपकी इस परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दे, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। कोई एक ऐसा फेस वॉश आप ढूंढ रहे हो जो कि सीजन चाहे कोई भी हो, यानी मौसम कोई भी हो, चाहे विंटर हो, समर हो, रेनी हो, भाई सीजन कोई भी हो, लेकिन आपकी रंगत को कम नहीं होने दे और आपकी स्किन को दिनों दिन ग्लोइंग बनाता जाए, ब्राइट बनाता जाए, खूबसूरत बनाता जाए, स्पॉटलेस बनाता जाए, ग्लास स्किन की अगर चाह रखते हो तो वो आपकी चाह पूरी हो जाए, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। क्योंकि आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूं ये इस वीक का मुझे लगता है सेकेंड वीडियो है, और एक ऐसा वीडियो है जो आपके फेशियल हेयर की परेशानी को दूर करने वाला है, आपके रिंकल्स की परेशानी को दूर करने वाला है, आपके चेहरे के ऊपर जो वो ब्लेमिसेस है ना उसकी परेशानी को दूर करने वाला है, और आपको देने वाला है हद से ज्यादा खूबसूरत ग्लोइंग और ब्राइट स्किन। आज का वीडियो देखना 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूँ छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दें, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना सब कुछ फ्री है, तो जितना हो सके उतना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली के मेंबर बन जाए। मेरे दो और यूट्यूब चैनल है, पुणे ब्लॉगर छवि जिसके ऊपर मैं डेली ब्लॉग करती हूँ, और दूसरा चैनल है छवि अश्विनी कुमार जिसके ऊपर मैं रिव्यू करती हूँ। तो ये दोनों चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि, तो जाएं और जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। जब भी कोई भी डाउट हो तब मुझे आप फॉलो करें, डीएम करें, जब भी मैं फ्री रहूंगी आपके डाउट क्लियर जरूर। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस सुपर से भी ऊपर वाले पैक को, फेस वॉश को और फेशियल हेयर को हटाने वाले पैक को बनाना। तो इस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है आपको व्हीट फ्लावर, यानी कि गेहूं का आटा जिसका हम लोग फुलका वगैरह बनाते हैं। इसकी खासियत ये है कि जो अगर आपके चेहरे के ऊपर जो टैन हो गया ना, जो आपकी स्किन झुलस गई है, चाहे वो धूप के कारण हो, चाहे गर्मी के कारण हो, या फिर किचन में बहुत ज्यादा काम करने के कारण हो, या फिर किसी दवा से आपको एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से आपकी स्किन की रंगत कम हो गई है, या फिर हार्मोनल चेंज की वजह से आपकी रंगत कम हुई है, कारण कोई भी हो ये आपकी स्किन के ऊपर सुपर से ऊपर काम करने वाला है। तो मैं ले रही हूँ व्हीट फ्लावर 1 स्पून। ध्यान रखें इक्वल अमाउंट में आपको सब कुछ लेना है, यानी कि मैं ली हूँ व्हीट फ्लावर 1 स्पून, तो इसके अंदर जो मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी वो मैं ऐड करने वाली हूँ ग्राम फ्लावर, यानी कि बेसन। ये हम सबके घर में होता है ना अवेलेबल, और इजिली तो हम सबके किचन में होता ही है। अब बेसन के काम इतने खूबसूरत है, इतने बेहतरीन है कि आपकी स्किन को ग्लोइंग, स्पॉटलेस और ब्राइट बनाने में सुपर से सुपर वाला काम करता है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो मोस्टली सबको सूट करता है, बट अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप इसके जगह पे सैंडलवुड पाउडर ले सकते हो। तो ये मैं ले रही हूं 1 स्पून। ओके, अच्छा जो मैं बता रही हूं ना, जैसे मैं आपको बताई हूं कि ये एक फेस वॉश भी है, तो जो भी मैं ऐड कर रही हूं उसको आप पाउडर फॉर्म में बना के कोई भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जब भी आपको लगाना हो आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। अब जो इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है वाइल्ड टर्मरिक। लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेंज कर ले। जो मैं वाइल्ड टर्मरिक यूज कर रही हूँ वो है हर्ब टॉनिक के, और ये मैं ले रही हूँ 1 पिंच के करीब। 1 पिंच, ये 1 स्पून नहीं लेना है, ये लेना है आपको 1 पिंच।
ओके। अब बात है एकदम समझने वाली, तो एकदम ध्यान से समझिए। अगर आप एक फेस वॉश बनाना चाहते हो जिसको मैं आप डेली यूज करें और आपकी स्किन ग्लोइंग और स्पॉटलेस हो जाए, तो ये आपका फेस वॉश बनके रेडी हो गया है। आप इसको एक कांच के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके रख दें। मेरे बाथरूम में मेरे DIY फेस वॉश भरे होते हैं, जो भी मैं यूज करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है आप सबके पास शेयर करूँ। अभी मैं अपने बेटी के लिए जो है मैं बॉडी वॉश और फेस वॉश बनाने वाली हूँ। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीक जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, इसको पाउडर फॉर्म में आपको बना करके रख लेना है। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जब भी आपको जरूरत हो, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, एक्स्ट्रा 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 सेंसिटिव हो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी आपको जरूरत हो आप अपने पाम में इसे ले सकते हो, या तो आप इसके अंदर दही डाल सकते हो, या फिर आप इसके अंदर दूध डाल सकते हो, या फिर आप इसको टैप खोले, थोड़ा सा पानी डालें और मिक्स करें अपने फेस के ऊपर। जैसे आप फेस वॉश यूज करते हो उसको छोड़ दें, सिर्फ 7 दिन इससे फेस को वॉश करके देखें। सिर्फ 7 दिन में आपको आपकी स्किन में फर्क दिखेगा। तो इसको डालें और थोड़ा सा मिक्स करें और अपने फेस के ऊपर लगा लें, 1 मिनट तक मसाज करें, फिर वॉश कर लें। आपका फेस वॉश होके बन के रेडी हो गया। बट मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मुझसे पूछते हो कि मैं इसे कैसे लगाती हूँ, तो मैं बहुत डिफरेंट टाइप से लगाती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो अपने पाम में लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, मिक्स करती हूँ और अपने फेस के ऊपर लगा लेती हूँ, ठीक है। जब तक ब्रश करते हो तब तक ये सूख जाता है और उसके बाद आप वॉश कर लेती हो, तो आपकी स्किन में ये फेस वॉश के साथ साथ फेस पैक का भी काम कर लेता है। मैं आपको बताई हूँ फेस वॉश, अब इसको दूसरे रूप में कैसे आप इस्तेमाल करोगे जिससे कि आपके फेशियल हेयर की परेशानी दूर हो जाए। तो ये आपका पैक बन के रेडी हो चुका है फेशियल हेयर को खत्म करने वाला। इसके अंदर आप चाहे तो ऐड कर सकते हो दही, अगर आपको दही सूट करता है तो आप दही ऐड करोगे, अगर आपको रॉ मिल्क सूट करता है तो आप इसके अंदर रॉ मिल्क ऐड करोगे, ठीक है। अच्छे से आप करोगे मिक्स और उसके बाद थिक लेयर, पतला लेयर नहीं आपको लगाना है, इसको पतला नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा बनाना है, अपने पूरे फेस पे आपको लगा लेना है। जहां पे हेयर वाला पॉइंट है उस पे थोड़ा ऐसे करके आपको नीचे की तरफ से लगाना है, 15-20 मिनट छोड़ना है और उसके बाद हल्का सा मसाज करते हुए इसको, जब ड्राई हो जाता है तो अपने फिंगर को थोड़ा गीला करना है, हल्का सा मसाज करना है और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। धीरे 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 आप देखोगे कि आपके फेशियल हेयर कम होते चले गए, और इसका रेगुलर इस्तेमाल से, अगर 3-4 महीने अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो आपके जो फेशियल हेयर है 50% कम हो जाएंगे, और किसी किसी को तो भैया 70% और 80% भी कम हो जाएंगे। फेशियल हेयर एक बार जाते हैं तो दोबारा अगर आते भी हैं तो वो हार्ड नहीं आते हैं। तीसरी बात ये कि उसकी जो ग्रोथ है ना, हेयर ग्रोथ है, वो बहुत कम हो जाती है। मतलब आज के डेट में अगर आपके चेहरे के ऊपर 100 बाल हैं तो जब फिर से वो आएंगे तो 50 आएंगे, फिर से जब वो आएंगे तो 30 आएंगे, फिर 20 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर ऐसे करके वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मुझे फेशियल हेयर की परेशानी नहीं है क्योंकि मेरा ये मैजिकल, मीन्स बोलते हैं ना, मैजिकल सीक्रेट वाला पैक है ये, जो मैं शुरू से लगाते आई हूँ। अब ये हो गया फेशियल हेयर की परेशानी। अब आज के डेट में मैं आपके साथ जो भी पैक शेयर कर रही हूँ, अगर आपकी उम्र 10 साल की हो गई है तो आराम से वो सारे पैक यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ इसको, क्योंकि आपको एंटी एजिंग वाला पैक भी मैं बता रही हूँ, ताकि आपकी कितनी भी लूज हो चुकी स्किन जो है वो एकदम से टाइट हो जाए और आप बहुत ज्यादा आपकी स्किन खूबसूरत और ग्लोइंग हो जाए। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फ्लक्सीड पाउडर, यानी कि अलसी का पाउडर। उसको अच्छे से मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हूँ और ये देखिए ये मेरा पाउडर बन के रेडी हो चुका है। तो मैं 1 स्पून पाउडर ले ली हूँ, ओके। आप चाहे तो इसको आप पाउडर फॉर्म में बना करके रख ले, जब भी आपको लगाना हो आप इसे लगा ले। अगर आपको सूट करता है कर्ड तो कर्ड, अगर आपको रॉ मिल्क सूट करता है तो रॉ मिल्क। मैं इसके अंदर रॉ मिल्क ऐड कर रही हूँ, ओके। अच्छे से इसको मैं करूंगी मिक्स,
चेहरे पे जो रिंकल्स वगैरह की परेशानी है उसको दूर करेगा, आपकी लूज हो चुकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट बनाने वाला है। अगर आपको स्पॉटलेस स्किन की चाह रखते हो तो ये पैक आपको स्पॉटलेस स्किन देने वाला है। पाउडर फॉर्म में तो भैया आराम से बना करके आप 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर में रख सकते हो और फ्रिज में तो 3 महीने भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये पैक बन के हो गया है मेरा रेडी। अब इसे मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ। मेरा फेस एकदम साफ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो जब भी कोई भी फेस पैक आप लगाते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके फेस के ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये आपके फेशियल हेयर को भी हटाने वाला है। आप चाहे तो वैसे ही आप लगा सकते हो, आप चाहे तो फ्लक्सीड को भी ऐड करके फेशियल हेयर पैक आप बना सकते हो। दोनों दोनों आपको फेशियल हेयर के ऊपर काम करने वाला है। ओके, सो चिंता ना करें आप। क्योंकि मुझे फेशियल हेयर नहीं है, मैं इसे 15 मिनट रखूंगी और मैं सीधा वॉश कर लूंगी। मुझे इसको यूं मसाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके फेस के ऊपर फेशियल हेयर है, चाहे आपकी उम्र 15 की हो, चाहे आपकी उम्र 10 की हो, चाहे आज के डेट में आपकी उम्र 50 की हो, चाहे 70 की हो, सबके स्किन के ऊपर काम करेगा। बट अगर आप वैक्स कराए हो, थ्रेडिंग कराए हो, धीस कराए हो, डैट कराए हो, ये जो बाल है वो थोड़े थिक तो होंगे ही, थोड़े हार्ड भी होंगे, तो आपके जो फेशियल हेयर है ना वो थोड़े धीरे धीरे निकलेंगे। और जिन्होंने अभी तक भाई उसको कुछ नहीं कराया उनके फेशियल हेयर फास्ट निकलेंगे, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन काम ये आपके स्किन के ऊपर भी करेगा। ये वाला जो पैक है ना, अगर यहाँ पे आपके रिंकल्स है ना, तो इसकी परेशानी को दूर करने वाला है। यहाँ के रिंकल्स की परेशानी को, अनइवन स्किन टोन की परेशानी को दूर करने वाला है। बहुत ज्यादा सुपर से भी ऊपर वाला पैक है। तो चलिए अब मैं इस मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। तो देखिए फेस को मैं वॉश करके आ चुकी हूँ, बट अभी भी लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो ना, अच्छे से वॉश नहीं हुआ है। बट फिर भी आप मेरी स्किन देखिए कितनी ज्यादा ग्लोइंग लग रही है, कितनी ज्यादा ब्राइट लग रही है। अच्छे से वॉश अगर करूंगी तो और भी ज्यादा ब्राइट और ग्लोइंग लगेगी। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा एक चीज मैं जरूर कहूंगी, अगर आप फ्लक्सी डालते हो तो भी आप इसको पूरे बॉडी में लगा सकते हो अपनी स्किन को व्हाइटन, ब्राइटन और टाइटन करने के लिए। और अगर आप फ्लक्सीड नहीं डालते हो, सिर्फ आप जो बेसन और जो भी मैं बताई हूँ वो डाल करके बनाते हो, तब आप इसको अपने अंडर आर्म्स और अपने विकनी एरिया में भी लगा सकते हो स्किन को व्हाइटन और ब्राइटन बनाने के लिए। तीसरी या दूसरी जो भी बात हो मैं बता दूं, अगर आपको फेशियल हेयर की परेशानी है तो फेशियल हेयर जो है ना आपको खिंचता हुआ फील होगा, महसूस होगा कि आपके फेशियल हेयर निकल रहे हैं जब आप वॉश करते हो, थोड़ा सा जब यूं करके वॉश करते हो उस टाइम में, तो ऐसा हो सकता है कि जब आपके फेशियल हेयर निकले तब आपको थोड़े से, उस टाइम में तो नहीं पता चलेगा बट थोड़े टाइम के बाद छोटे दाने आ जाए, क्योंकि जब आपके बाल खिंचते हैं ना, जब आप पार्लर में जाते हो वैक्स कराते हो तो भी वही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एलोवेरा जेल हो, किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल हो, आप एलोवेरा जेल अपने पूरे फेस के, पहले आपको रोज वाटर स्प्रे करना है, या फिर जो अगर आप टोनर यूज करते हो तो टोनर आपको यूज करना है, उसके बाद जो है आपको अपने पूरे फेस के ऊपर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है। उससे ये होगा कि जो आपके चेहरे के ऊपर जो दाने आने वाले हैं ना, वो चांस कम हो जाएंगे उसके आने के, और आपके आपकी स्किन जो है कोई आपको टेंशन की बात नहीं होगी। दूसरी बात, अगर वो दाने आ भी जाते हैं तो फिर भी 1 से 2 दिन में वो चले जाते हैं, क्योंकि जो बाल अगर खिंचता है ना तो थोड़े से दाने आते हैं। अगर आपको फेशियल हेयर की परेशानी है तो ये परेशानी हो सकता है आपको आए, तो मैं सोची कि आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको बाद में डाउट ना हो। अगर आप आइस लगाना प्रेफर करोगे तो मैं तो वही करती थी,
कि जब भी मैं मेरे फेशियल हेयर थे तो मैं क्या करती थी कि जैसे कि जहां मैं पैक लगाई ना, उसके बाद जब मैं सार लेकर के निकलती थी तो मैं क्या करती थी, एक आइस क्यूब लेती थी और अपने पूरे फेस के ऊपर रब कर लेती थी। उससे ये होता था कि वो जो दाने आने वाले है ना वो दब जाते थे। उसके बाद मैं एलोवेरा जेल लगा लेती थी। अब बात कर लेते हैं कि इसको वीक में कितने बार लगाना है। इसको आपको डेली लगाना है। अगर आपको फेशियल हेयर की परेशानी है, अगर आपको फेशियल हेयर की परेशानी है तब इस पैक को आपको डेली लगाना है। बट अगर आपको फेशियल हेयर की परेशानी नहीं है और आपको सिर्फ स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाने के लिए इस पैक को लगाना है, तब आप इस पैक को हफ्ते में 3 बार लगाते हो तो भी सफिशियंट है। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सैगी है, लूज है और बहुत ज्यादा फेस के ऊपर रिंकल्स है, तब आप डेली इसको लगाएं, 1 मंथ तक डेली लगाएं और 1 मंथ के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, हफ्ते में 3 बार लगा सकते हो। पैक को पाउडर फॉर्म में बना के आपको पता है कब तक रखना है, बट अगर आप इस फॉर्म में बना करके रखते हो तो आराम से फ्रिज के अंदर 5 दिन तक बना करके रख सकते हो। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बताना रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब भी मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगी और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।